अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जुबली से मिले एम गोपीनाथ शेखपुरा डिवीज़न का दौरा किया, वहाँ पर लोगों ने उनकी गुलपुशी की और कई कामों का उन्होंने कंप्लीट किया, कई काम और कई कामों का तवक्कु दिलाया कि जल्द से जल्द होंगे। सिवरेज लाइन, सीसी रोड, बहुत जल्द ये कामों का शुरुआत होगी, ऐसा उन्होंने लोगों से तवक्कु दिलाया और कहा कि जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी सारे हैदराबाद में, तेलंगाना में नंबर वन कॉन्स्टिट्यूंसी बनने जा रही है, क्योंकि बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं यहाँ पर। और जिस तरह से टीआरएस हुकूमत इख्तदार में आई है, तब से और अच्छे काम होंगे और आवाम के मसलों को हल किया जाएगा, ये बात की गई है। और यहाँ के मुकामी लोगों ने भी शुक्रिया अदा किया और बाद अज़ां क्रैमटू से बात करते हुए गोपीनाथ ने भी ये सारे तफसलात बताई। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। अंकल सिक्योरिटी थोड़ा बदला, ट्रेनिंग करना है सब मोहित भाई इधर देखिए, मोहित भाई इधर देखिए एक बार, इधर देखो भाई, इधर देखो, खबर क्या होता है कौन आता है भाई, फोन नीचे रखो जी भाई, పది సంవత్సరాల నుంచి 10 ఇయర్స్ నుంచి తిరుగుతున్నాం, రేపు అయిపోతుందా? రేపు ఇంకొకటి అవుతుంది,
वेटरनरी कॉलोनी और पीस सिटी कॉलोनी में आज प्रोग्राम्स में आए। पीस सिटी में सीवरेज का प्रॉब्लम है, इधर भी सीवरेज का प्रॉब्लम है। ये जो एक संडे ये पूरे कॉलोनी वाले आज का आओ बोले तो हम इधर आए दौरा करें। पूरे कॉलोनी में हम लोग ऐसी यही तरीका से डेवलपमेंट करते और पीने का पानी का रहें दो, सीवरेज का रहें दो, रोड्स का रहें दो, करंट का रहें दो। ये जो कॉलोनी जो है वो लोग यही पूछते और कुछ भी नहीं पूछते। लैंड ऑर्डर एक अच्छा रहना, रोड्स अच्छा रहना, करंट अच्छा रहना, ये सब काम हम लोग का TRS गवर्नमेंट पहले से इसके पीछे था। पूरे रोड्स रहें दो, कुछ भी रहें दो। आप 7 साल पहले देखो रोड कैसा था, हैदराबाद हालत कैसा था, आज अच्छा डेवलप हुआ। आज जुबलीज कॉन्स्टेंस में अच्छा डेवलप कर रहे हैं हम लोग। यही काम पे हर एक कॉलोनी जा रहे, जो जो इश्यूज है बात करके कम से कम 3 महीने को एक बार तो भी हम लोग पूरे कॉलोनी से फिर के ये काम को जो जो बोला कंप्लेंट्स दे रहे इमीडिएटली सॉल्व कर रहे प्रॉब्लम्स पूरे। आगे भी ऐसी जुबलीज कॉन्स्टेंस और डेवलप करेंगे और जुबलीज कॉन्स्टेंस हैदराबाद सिटी में नंबर 1 कॉन्स्टेंस बने जैसा हम लोग कर रहे और वैसी होंगा डेफिनेट। ऐसी दौरा करते रहते और सबसे मिलजुल के एक फैमिली मेंबर्स का जैसा हम लोग मिल के जा रहे। हम लोग कुछ भी पॉलिटिकल पार्टी वैसा नहीं, एक फैमिली मेंबर्स का जैसा हम लोग मिल के पूरों से बातचीत करके जा रहे। कभी के आना 5 साल के बाद आना वैसा नहीं, हम लोग हमेशा आते रहते और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किधर भी नहीं रोक रहे हम लोग, अच्छा कर रहे। अभी फ्लाईओवर रहें दो एग्जाम्पल, इतना बड़ा फ्लाईओवर हैदराबाद में नंबर 1 फ्लाईओवर है इतना बड़ा। अभी फिल्म नगर रोड, इससे पहले कचरा था, कचरा बोलते कचरा रहता, आज अच्छा डेवलप करे वो फिल्म नगर रोड भी। ऐसा हर एक चीज़ हम लोग डेवलप करेंगे, आगे भी ऐसी करेंगे बोल के सोच के। और ये प्रेसिडेंट हूँ अब्दुल मोहित, यहाँ पर जो है ना 4 महीने पहले मैं जो है अपने गोपीनाथ साहब को बुलाया था, सीवेज का इशू था, ओवरफ्लो जो है ना पिछले 6 साल से ओवरफ्लो हो रहा था यहाँ पर। साहब ने इमीडिएटली जो है हमें जो है सैंक्शन दिया और वहीं पर जो है ना प्लान अप्रूव किया, आज जाकर काम ये ड्रेनेज का हो गया है यहाँ पर विनायक नगर में और सीवेज ओवरफ्लो का इशू ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक इशू अभी छुटा हुआ है जो मेन रोड पी सिटी कॉलोनी में जो यहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है। कल भी मैंने यहाँ वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को बताया, मुरलीधर रेड्डी को बताया मैंने, आज भी अभी सभी हम सभी MLA साहब को बताया मैंने, तो कहा कि ठीक है फिर जो है ना एक मरतबा जो है ना एक इशू लेके आना, फिर उसका अप्रूवल देंगे। मैं अभी जाऊँगा एक नेक्स्ट वीक जाऊंगा इंशाल्लाह, फिर जो है ना मैं ये इशू को लेकर उसको सॉल्व कराने के लिए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर गोपीनाथ फॉर हिज टीम, दे हैव वर्क वेरी हार्ड टू सॉल्व दिस इशू आफ्टर 6 ईयर्स। थैंक यू साहब। इमीडिएटली मेरे को साहब का रिस्पांस मिलता है, इमीडिएटली अपॉइंटमेंट मिलता है और जो है ना आई एम वेरी थैंकफुल टू शकील साहब एंड जो है ना अपने प्रकाश अन्ना भी जो है ना बहुत हेल्प करते हैं, प्रदीप अन्ना बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। इमीडिएटली हमको रिस्पांस मिलता है यहाँ पर कॉलोनी का कहना है कि 17 में बता रहा हूँ यहाँ पर वाटर लाइन नहीं थी जी। मैं MLA साहब का जो है ना अप्रोच हुआ, होने के बाद में यहाँ पर वाटर कनेक्शन आया यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर सिटी रोड नहीं थी, वो भी इशू ले गया हमें MLA साहब के पास, उसका भी अप्रूवल जो है ना 4 दिन में अप्रूवल दे दिए। और ऑफ लेट रिसेंटली जो है 4 महीने पहले जो ओवरफ्लो का इशू था, ये लाइन पर जहाँ ठहरे हैं हम लोग, ये लाइन का अप्रूवल हुआ, ये जो है ना ये लास्ट वीक काम हो चुका है, जिसका आज जो है ना इनॉग्रेशन भी हो चुका है। आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई रियली विश यू नो MLA साहब जो है ना फिर इलेक्शन में आएंगे और जो है ना स्विफ्ट हो रहा है, बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, ये खाली प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं लेकिन काम करके बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेटरनरी कॉलोनी का मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम मोहित खान है। आप सेक्रेटरी है? जॉइंट सेक्रेटरी ट्रेजरर साहब और सब यहाँ पे आज मार्केटिंग गोपीनाथ, आज ही नहीं जब कभी भी मार्केटिंग गोपीनाथ साहब को हम वेलकम करते इमीडिएट टू नो, पहली कोई प्रोग्राम नहीं हमारे कॉलोनी का फर्स्ट टाइम आते आते इमीडिएटली जो जो हमारे प्रॉब्लम्स है, जैसा कि CC रोड्स का हो, ड्रेनेज का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, वाटर लाइन का हो, कोई भी एक दिन भी नहीं रखते। लास्ट टाइम में वन एंड हाफ मंथ बैक आए थे, आने के बाद में एक ड्रेनेज का प्रॉब्लम था तो हम उनको सामने रखे देखे ऑन द स्पॉट उन्होंने सैंक्शन ही नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे काम स्टार्ट करके मेरे को इतला देना बोले, वेरी नेक्स्ट डे काम भी स्टार्ट हो गया। आज वही काम का आज इनाग्रेशन हुआ जो कंप्लीट हो गया,
हम कॉलोनी वाले उनका बहुत थैंक्स बोलते हैं, और साथ साथ हमारे कॉलोनी में सिक्योरिटी कैमरे के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करे, हम 3 लाख रुपए से हम पूरे 16 कैमरे सिक्योरिटी कैमरे लगे हाई टेंशन का, और आज उसका भी उन्होंने इनाग्रेशन किया। हम उनका बहुत तहदिल से शुक्रिया देते हैं हम कॉलोनी वाले, क्योंकि उन्होंने यही आज ही नहीं, जब कभी भी हम कॉलोनी में बोलते हैं तो महीने में 2 महीने में 3 महीने कभी भी हो एवरी 3 महीने को तो उनका रूटीन है, हर कॉलोनी में आके कुछ है तो उन्होंने खुद अपनी तरफ से रिव्यू करके पूछते कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं है, जो कुछ भी है छोटे मोटे प्रॉब्लम इमीडिएट ऑन द स्पॉट कर देते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कॉलोनी का। ये अभी अंदर वो